हेलो गाइस, आप देख रहे हैं ऑनलाइन ऑफिस चैनल मनोज सिंह। दोस्तों, अगर आप शॉमी का डिवाइस यूज़ करते हैं तो पक्का आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि उसमें तरह तरह की एड्स वगैरह शो होती हैं जब भी आप फ़ोन को यूज़ करते हैं। अगर आप नॉर्मल उसका मी ब्राउज़र यूज़ करते हैं, म्यूज़िक एप्लीकेशन, फाइल मैनेजर, उसका ऐप लॉक वगैरह अगर आप यूज़ करते हैं तो आपने तरह तरह की एड्स वगैरह देखी होंगी और आप ऐड से बिल्कुल परेशान हो चुके होंगे। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, आप उन एड्स को डिसेबल कर सकते हैं पूरी तरीके से। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखते रहिए आप। आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में इसी के बारे में कि किस तरीके से आप उन सभी एड्स को डिसेबल कर सकते हैं, खुद ही अपने आप उन सेटिंग्स को ऑफ कर सकते हैं और आपको कोई भी एड्स वहाँ पर शो नहीं होंगी। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ शुरू से एंड तक, हम बात करेंगे इस वीडियो में इसी के बारे में। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो दोस्तों, शाओमी ने अपने रीसेंट सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दे दिए जिसकी वजह से फ़ोन्स में तरह तरह की एड्स तरह जगह जगह पर डिस्प्ले होती हैं, जिसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र एक्सपीरियंस हमारा ख़राब होता है। जब भी हम कुछ भी नॉर्मल चाहे ऐप इंस्टॉल कर रहे हो वहाँ पे भी एड्स होने लगती हैं, चाहे आप क्लीनर वगैरह यूज़ करते हो उस पे भी एड्स शो होती हैं, अगर आप उसका बाय चांस ब्राउज़र वगैरह भी यूज़ करते होंगे तो उसमें भी एड्स शो होती हैं। तो दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे इन सभी एप्लीकेशन से जो कि मी की एप्लीकेशन है, शाओमी की एप्लीकेशन जिनमें एड्स शो होती हैं, तो उनको किस तरीके से आपको डिसेबल करना है। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उसके यूज़र इंटरफेस में जो भी ऐड शो होती है उनको कैसे डिसेबल करना है। तो आपको दोस्तों यहाँ पे फ़ोन की मेन सेटिंग्स में चले जाना है। मेन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग्स वहाँ पे दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद वहाँ पे आपको ऑथराइजेशन एंड रिवोकेशन का ऑप्शन दिखेगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों आपको MSA नाम का एक ये छोटा सा एप्लीकेशन दिखेगा, इसको आपको डिसेबल कर देना है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपको बताते हैं कि किस तरीके से ऐप लॉक में जो भी आपको ऐड शो होती है वो आपको किस तरीके से डिसेबल करनी है। उसके लिए आपको दोस्तों वहीं मेन सेटिंग्स में जाना है और नीचे आपको ऐप लॉक वाले ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे ऊपर आपको गियर का छोटा सा आइकन दिखेगा, उसमें आने के बाद आपको रिकमेंडेशंस का ऑप्शन वो ऑफ कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे मी के ब्राउज़र ऐप में जो भी आपको एड्स होती हैं उनको किस तरीके से डिसेबल करना है। तो डिसेबल करने के लिए दोस्तों दोबारा से वही नॉर्मल सी सेटिंग्स है, वो आपको ब्राउज़र ऐप मी का जो है वो खोल लेना है। वहाँ पर नीचे आपको उसके सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको वही रिकमेंडेशंस वाले ऑप्शन को सिंपली ऑफ कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे उसके फाइल मैनेजर से आपको किस तरीके से ऐड डिसेबल करनी है। तो दोस्तों वही सेटिंग्स है सेम। तो दोस्तों आपको फाइल मैनेजर में जाना है, आपको ऊपर कॉर्नर में तीन डॉट्स वाले आइकन दिखेंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको सेटिंग में जाके वही रिकमेंडेशंस वाला ऑप्शन ऑन करना है। वहाँ पे उसको आपको सिंपली डिसेबल कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आप अपने क्लीनर ऐप वगैरह से या फिर फ़ोन को अगर आप बूस्ट वगैरह करते हैं तो वहाँ से आपको किस तरीके से ये एड्स डिसेबल करनी है। उसके लिए दोस्तों आपको दोबारा अपने फ़ोन के वही ऐप और सिक्योरिटी वाला जो आइकन है उसमें जाना है। उसके बाद आपको क्लीनर ऑप्शन में चले जाना है। वहाँ पर आपको ऊपर कॉर्नर में वो गेयर आइकन सा दिखेगा, वहाँ पर आपको क्लिक करने के बाद वही रिकमेंडेशंस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। इसी तरीके से आपको दोस्तों वापस आ जाना है उसमें बूस्ट ऐप्स वाले जो ऑप्शन है उसमें जाना है। वहाँ पे वो ये बूस्ट करता है इस तरीके से। वहाँ पे भी आपको गेयर वाला आइकन दिखेगा, वहाँ पे आपको रिकमेंडेशंस फॉर यू या फिर रिकमेंडेशन का ये ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको सिंपली इसको ऑफ कर देना है। अब दोबारा बैक आना है। अगर आप जो भी ऐप्स वगैरह इंस्टॉल करते समय आपको एड्स शो होती हैं या फिर ऐप्स आपकी एक सिक्योरिटी स्कैन वगैरह चलता है उस तरीके से, उसके बाद एक एड शो होती है उसको आपको डिसेबल करने के लिए दोस्तों वहीं ऐप एंड सिक्योरिटी में आपको नीचे मैनेज ऐप्स का ऑप्शन दिखेगा। उसमें आने के बाद दोस्तों आपको वही सिंपल उसी गियर आइकन पर क्लिक करना है, सेटिंग्स में जाना है और आपको रिकमेंडेशंस को ऑफ कर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों ये सारी एड्स डिसेबल होती हैं। इस तरीके से दोस्तों आपको इसके म्यूज़िक वाले ऐप से भी एड्स डिसेबल करने हैं। इसी तरीके से आपको उस एप्लीकेशन में जाना है, सेटिंग्स में जाना है और रिकमेंडेशंस को ऑफ करना है। और सेम यही तरीका यूज़ होगा उसके मी वीडियो ऐप के लिए। तो वहाँ पर आपको सिंपली उसी सेटिंग्स में जाना है, रिकमेंडेशन फॉर यू या फिर रिकमेंडेशंस का ऑप्शन आएगा उसको आपको ऑफ कर देना है। दोस्तों यही थे वो तरीके जिस तरीके से आप एड्स वगैरह को डिसेबल कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको इस वीडियो में कोई भी एक स्टेप अगर छूट गया है, कोई भी अगर और एप्लीकेशन अगर आपको ध्यान में आती है कि इसमें भी एड्स वगैरह शो होती हैं, तो आपको वही सेम स्टेप्स फॉलो करने हैं। आपके उसके सेटिंग्स में जाना है या फिर उसके प्राइवेसी पॉलिसी इस तरीके से, या फिर एडवांस सेटिंग्स ऑप्शन होता है किसी किसी एप्लीकेशन में, वहाँ पे आपको विजिट करना है और सिंपली रिकमेंडेशंस वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना है। वो रिकमेंडेशन जो है यहाँ पे उसको एड्स ही हैं, वहाँ पर उन्होंने एड्स का नाम ना देके उसको रिकमेंडेशन का नाम दिया है ताकि यूज़र उसको बड़ी आसानी से ना फाइंड कर पाए। तो यहाँ पर दोस्तों यही थे वो तरीके जिनसे आप अपने फ़ोन में शाओमी के फ़ोन्स में जो भी एड्स वगैरह आपको डिस्प्ले होती हैं उनसे आप बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी शाओमी के फ़ोन में आने वाली इन ऐड से परेशान हो चुके हैं, उनको आप वीडियो सेंड कर दीजिए। और इसी तरीके से और वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में।